August 2013. Quote of the day by Param Pujya Guru Rajneesh Rishi ji. Before enlightenment, there is money, family, and fight. And after enlightenment, there is meditation, worship, and love. परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी कहते हैं कि जब तक यू आर नॉट एनलाइटेंड, यानी जब तक तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जब तक तू अज्ञानी है, जब तक तुझ में सही समझ नहीं आई कि तूने जीवन को कैसे जीना है, जब तक तुझे वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो प्रबोधन याद नहीं होता, तब तक तू मूर्ख है. यू आर नॉट एनलाइटेंड, तू अज्ञानी है. और इसी अज्ञान के कारण तू इस संसार में पड़ेगा, तू इस संसार की वस्तुओं के पीछे पड़ेगा. यानी तुझे केवल धन ही धन दिखेगा. इस संसार में बड़ा बनने के लिए, इस संसार में सुखी रहने की इच्छा से तू धन को इकट्ठा करेगा. धन ही धन कमाने की दिन रात तेरी इच्छा होगी. और यदि खुद के लिए ना हो तो अपने परिवार के लिए होगी. तो अपने परिवार को भौतिक सुख देने के लिए, ऐशो आराम देने के लिए पागलों की तरह इस संसार में फंसेगा. लेकिन इस सब से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा. इस सब में जो कुछ नहीं मिलेगा, तेरे हाथ केवल और केवल लड़ाई झगड़े, नफरत, अशांति यही आएगी. क्योंकि तू अभी मूर्ख है, तू अज्ञानी है. लेकिन अपने आप को तू ज्ञानी समझ करके इस संसार को भली भांति जानने की इच्छा से तू सोचता है इस संसार में तो पैसा ही चलता है. जो धनी है वही सबसे बड़ा है. और धन कमाने की लालसा में कमाते कमाते तो खुद को ही सबसे बड़ा मानने लगेगा. तो खुद को ही परमात्मा मान लेगा, तो खुद को ही ईश्वर मान लेगा. और जब कोई चीज़ तेरे अनुरूप नहीं होगी, जब कोई चीज़ तुझे अच्छी नहीं लगेगी, जब तेरा समय तेरे अनुसार नहीं चलेगा, तो तुझे क्रोध आएगा. और वही क्रोध लड़ाई झगड़ों का कारण बनेगा, तेरी अशांति का कारण बनेगा. जिस परिवार को सुख सामग्री देने के लिए वो पूरी जिंदगी भटकेगा, वही घर वाले उस पैसे के लिए तेरे दुश्मन बन जाएंगे. वही घर वाले केवल और केवल तुझे उपभोग की सामग्री मानने लगेंगे, तुझे एटीएम मशीन समझने लगेंगे. क्योंकि अभी तुझे ज्ञान नहीं हुआ. किसी युवती से पूछो कि तेरी क्या इच्छा है, वो सबसे पहले कहेगी मुझे शादी करने की बड़ी इच्छा है, एक सुंदर सा रूपवान नौजवान आए और आकर के मुझसे शादी करे. और पैसे वाला भी हो, धन भी हो उस पे हो, और जब उसके जीवन में
ये व्यक्ति आ जाए, उसके बाद 10-15 साल बाद उससे पूछो कि भैया अब कैसा लग रहा है, अब तो भगवान ने तेरी इच्छा पूरी कर दी, अब तुझे कैसा महसूस होता है, तो वही युवती वही स्त्री कहेगी अरे इस शादी में क्या सुख है, कोई सुख नहीं, मैं तो समझती थी कि सुंदर लाइफ पार्टनर मिले, पति मिले तो इससे जिंदगी सवर जाएगी, सोचा था धनी हो पैसा हो तो इससे बहुत आनंद होगा, लेकिन ये सब होने के बाद भी अब ये समझ में आता है इन सब से कुछ नहीं होता। लेकिन मुश्किल क्या है कि हम ठोकर खा के ही सीखना चाहते हैं, उससे पहले यदि कोई बताए, कोई संत मार्ग दिखाए, तुम्हारा गुरु तुम्हें खूब समझाए, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उससे पहले तो केवल और केवल तुम्हें वही सब अच्छा लगेगा, इन संसार की वस्तुएं, इस संसार का दिखावा, ये सब तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जब तुम ठोकर खाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा इस सब में कुछ नहीं है। तो अगर संसार में कुछ नहीं, संसार के सुखों में कुछ नहीं, तो आखिर किस चीज में सुख है? तो गुरुजी यही बताते हैं कि सुख है एनलाइटमेंट में, शांति है एनलाइटमेंट में, ज्ञान में। जब तू जग जाएगा, जब तू चैतन्य हो जाएगा, तब तुझे समझ में आएगा इस संसार में आनंद तो है ही नहीं, वो तो मेरे अंदर ही छुपा बैठा है। और तब जब तू जग जाएगा, ये मोह के आंखें तेरी खुलेंगी, मोह का पर्दा तेरी आंखों से हटेगा, तब तुझे समझ में आएगा कि संसार में तो कुछ और ही आनंद है। और जब तुझे ज्ञान हो जाएगा तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे गुरु को तुझे कहने की, धक्का मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तू स्वयं ही क्या करेगा, मेडिटेशन, ध्यान, तू और उस ज्ञान की खोज में निकलेगा, मुझे और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए। तू भगवान से दिन रात प्रार्थना करेगा, हे प्रभु पीछे जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे की तुम मेरी बिगड़ी बनाना, आगे तुम मुझे रास्ता दिखाना, आगे कुछ ऐसा कर देना कि मुझे फिर से इस जीवन मरण के चक्र में ना फंसना पड़े। तुम पूजा करोगे, भगवान को याद करोगे, उनका ध्यान करोगे, क्योंकि समझ में आएगा कि टिकने वाली चीज़ तो यही है, धन, पैसा, पत्नी, बच्चे, रिश्ते, ये सब टिकने वाला नहीं है। टिकता तो केवल एक ही है, वो है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सचमुच का आनंद, वही टिकेगा। तो इसलिए उस एनलाइटमेंट की खोज में निकलो, उस ज्ञान प्राप्ति की भूख को अपने अंदर बढ़ाओ कि मैं भी जगूं, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं जगने की तो जगोगे कैसे? पहले इच्छा करो, फिर उस मार्ग पे चलो, अपने लिए गुरु ढूंढो और उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस प्रबोधन को प्राप्त करो, उस एनलाइटमेंट को, उस निर्वाण को, उस चेतन अवस्था को तुम प्राप्त करो जिसमें जाकर के तुम्हें पछतावा नहीं होगा, जिसमें जाकर के लौटना नहीं होगा,
यही गुरु जी का आज सबके लिए, हमारे परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी का हम सबके लिए संदेश है कि जब तक तू जगा नहीं है तब तक ही तू धन में, घर में और इन लड़ाई झगड़ों में, अशांति में फंसा है। और जिस दिन तू जग गया तो यकीन मानना कि उसके बाद तेरे जीवन में केवल ध्यान होगा, सुख शांति होगी, भगवान का नाम होगा और प्यार ही प्यार होगा।